सिर्फ 30 मिनट्स किसी से बात करके $30 अर्न करना चाहते हैं? अगर हाँ तो इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज का जो अर्निंग मेथड है बहुत ही ज़बरदस्त है, बिल्कुल ऑथेंटिक और 100% जेन्युइन प्लेटफॉर्म है जहाँ से लोग डेली का 30 से $100 जो है वो अर्न कर रहे हैं। मैं आपको इसका प्रूफ भी दिखाऊंगी कि किस तरह से लोग इस प्लेटफॉर्म को यूज़ करते हुए अच्छे खासे डेली, वीकली और फिर मंथली भी अच्छे खासे पैसे जो है वो अर्न कर रहे हैं। आपने क्या करना है, सिंपली आपने बातें करनी है और हर मिनट के हिसाब से एक एक डॉलर आपके पास आता जाएगा। एक मिनट का $1, एक मिनट किसी से बात करेंगे $1 आपके पास आ जाएगा। अब आप किसी से बात करेंगे और कोई आपको पैसे क्यों देगा? मोस्टली बाहर के मुल्कों में, प्रीमियम कंट्रीज में लोग किसी भी तरह की सजेशंस लेने के लिए, चाहे वो फूड से रिलेटेड हो, पेरेंटिंग से रिलेटेड हो, अपनी एजुकेशन से रिलेटेड हो, किसी भी दुनिया के टॉपिक को आप पकड़ लें, बाहर के लोग जो है वो इसी तरह से लोगों से ऑनलाइन चैट करके उनसे जो उनकी मशवरे हैं, कंसल्टेशन है, वो लेते हैं। हम जैसे लोग जो हैं उन लोगों को ये सर्विस प्रोवाइड करते हैं उनसे बात करके। आपको मैं आगे जाके सिखाऊंगी कि आपके पास ऑप्शन होगी, 10-20 कैटेगरीज होंगी, उसमें से कोई एक आपने सेलेक्ट कर लेनी है, ठीक है, कि आप किस टॉपिक पे उनसे बात करेंगे। आप किसी सब्जेक्ट से रिलेटेड भी कर सकते हैं, आप ओवरऑल भी कर सकते हैं, जिस तरह से लोग बाहर घूमने जाते हैं वेकेशंस के लिए, उसके लिए लोगों ने सजेशंस लेनी होती हैं, अपने बच्चों की फूड के लिए, अपने बच्चों की पेरेंटिंग के लिए, इस तरह से बहुत ज़्यादा ऑप्शंस हैं आपके पास। जिन्होंने गाड़ियाँ ख़रीदनी हैं, जिन्होंने प्रॉपर्टीज़ खरीदनी हैं, इस तरह से लोग जो है वो ऑनलाइन कंसल्टेशन करते हैं और एक मिनट बात करने का $1 जो है वो पे करते हैं। हमने क्या करना है, हमने उनसे बात करके, उनको मशवरा दे के, उनको सजेशंस दे के, हमने भी एक मिनट का $1 जो है वो अर्न करना है। जैस कैश में विड्रॉ आपको आराम से मिल जाएगा, कोई मुश्किल वाली बात नहीं है, बहुत ही आसान काम है। आपने सिंपली बातें करनी है, ठीक है, और जहां आपको नहीं भी समझ आती कि हम किस तरह से बातों का जवाब दें, तो चैट जीपीटी से आप सिंपली हेल्प ले सकते हो और आपने एज इट इज़ उनको वही नहीं बता देना, बल्कि आपने थोड़ी सी उसमें मॉडिफिकेशंस करके आपने जो है वो आगे जिस बंदे से हम बात कर रहे हैं उससे आपने जो है वो बात करके पैसे अर्न कर लेने हैं। कोई एक टॉपिक आपने सेलेक्ट कर लेना है, सारा प्रोसीजर आपको समझाऊंगी कि आपने किस तरह से अकाउंट बनाना है, और यहाँ पे अकाउंट को वेरीफाई करने के लिए एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है, उसको आपने जो है वो ध्यान से देखना है। वीडियो अगर अच्छी लगे तो इसको लाइक ज़रूर करना, चैनल पे न्यू हो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बिस्मिल्लाह करते हैं और चलते हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन की तरफ। सबसे पहले मैं आपको दिखा दूं कि इस प्लेटफॉर्म पे आप कितनी अर्निंग्स कर सकते हैं। यहाँ पर मिनट आप $1 अर्न कर सकते हो। एवरेज जो चैट की लेंथ होती है वो 25 मिनट्स होती है। अगर आपको एक मिनट का $0.60 भी मिल रहा है तो आपका प्रॉफिट $15 जो है वो बन जाता है, अगर आप 25 मिनट्स जो है वो बात करते हैं। इसके अलावा इन्होंने अपना एक बिल्कुल एक टेबल भी दिया हुआ है कि आप यहाँ से भी देख सकते हो कि आप पर डे चैट्स जितनी कर रहे हो उसका आपको प्रॉफिट पर डे क्या बनता है, पर वीक क्या बनता है, पर मंथ क्या है और पर ईयर क्या है। अगर आप 5 चैट्स पर डे कर रहे हैं, जो कि पॉसिबल है, प्रॉफिट आपको पर डे का $75 मिलेगा, जो कि पर वीक अगर देखें $525, पर मंथ देखें तो $2,250 जो है वो डॉलर्स बन जाता है। इसी तरह 10 चैट्स पर डे का भी इन्होंने बताया कि $150 आपको पर डे का मिल जाता है, जो कि एक अच्छी अमाउंट है। नीचे इन्होंने ये बताया भी हुआ है कि ये इन्होंने जो है वो एक एवरेज बताया हुआ है कि आपको इतनी चैट्स का इतने मिलेंगे, लेकिन अगर आप ज़्यादा टाइम नहीं दोगे, अच्छे से जो है वो आप चैट्स के ऑप्शन नहीं जो है वो पूरे करोगे, तो जो है आपको अर्निंग कम होगी। यहाँ से हम साइनअप कर लेते हैं क्योंकि हमें यहाँ पे अकाउंट बनाना है। साइनअप बनाने के लिए आपने अपना यूज़र नेम लिखना है, फर्स्ट नेम लिखना है, लास्ट नेम लिखना है, पासवर्ड देना है, ईमेल देना है। इसके अलावा आप डायरेक्टली जो है वो जीमेल के अकाउंट से भी जो है वो यहाँ का अकाउंट क्रिएट कर सकते हो, ठीक हो गया। इसके अलावा आपने क्या करना है, यहाँ पे मैंने अपना यूज़र नेम लिख दिया, अपना फर्स्ट नेम लिखा, लास्ट नेम लिखा। इसके अलावा यहाँ पे मैं अपना ईमेल और पासवर्ड दे रही हूँ। आप जब ईमेल दोगे आपने पासवर्ड ईमेल वाला नहीं देना, बल्कि आपने क्या करना है, आपने जो है न्यू पासवर्ड क्रिएट करना है। ये करने के बाद आपको जो है फ़ोन नंबर की ऑप्शन आ जाएगी, यहाँ पर आपने अपना फ़ोन नंबर देना है,
ये आपको एक वेरिफिकेशन कोड भेजेंगे। नीचे आपने यूज व्हाट्सएप वाली ऑप्शन को सिलेक्ट करना है, ठीक है। वेरिफिकेशन कोड सेंड करेंगे, वो हमने यहाँ पे एंटर करना है और जो है हमारी वेरिफिकेशन जो यहाँ से हो जाएगी। एप्लीकेशन का नाम प्रीमियम डॉट चैट है, आप गूगल से भी आ सकते हैं यहाँ पे। इसके अलावा मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगी, आप डायरेक्टली उसको जो है वो क्लिक करके यहाँ पे आ सकते हो। अब ये हमें कह रहे हैं कि ये आपने काम कर लिया, अब आप अपनी प्रोफाइल को जो है वो कंप्लीट करें। मतलब यहाँ पे हम बताएंगे हम किस तरह की चैट्स जो हैं वो करने वाले हैं। यहाँ पे हमारे पास पूछ रहे हैं आप प्रोफाइल नेम क्या रखना चाहते हो। जब आप प्रोफाइल नेम रखो ना, तो आपने क्या करना है, आप अपना फर्स्ट नेम ही खाली रख सकते हो। प्रोफाइल के डिस्क्रिप्शन में यहाँ पे मुझे बताना है कि मैं यहाँ पे क्या काम करने वाली हूँ, किस टॉपिक से रिलेटेड चैट्स करने वाली हूँ। एजुकेशन से रिलेटेड, हेल्थ से रिलेटेड, ठीक है, पेरेंटिंग से रिलेटेड। आप यहाँ पे ओवरऑल भी लिख दोगे ना कि आई एम हेयर टू डिस्कस एनी टॉपिक यू वांट थैंक्स, तो ये भी ठीक है, हम आगे जाके मज़ीद हम स्पेसिफाई कर सकते हैं। ठीक हो गया, ये वाली आपने इन्फॉर्मेशन जो है कम्प्लीट कर ली है। उसके बाद यहाँ से आपने अपनी जेंडर सेलेक्ट कर लेनी है, ठीक हो गया। यहाँ से मैंने वुमेन सेलेक्ट कर लिया। ये इन्फॉर्मेशन अपनी सारी एंटर करने के बाद अब हम क्या करेंगे, यहाँ से हम जो है वो नीचे आके सेव कर देंगे। यहाँ पे आपने सबसे ऊपर अपनी प्रोफाइल पिक्चर भी लगानी है। आप अपनी ओरिजिनल पिक्चर लगाना चाहते हो वो लगा दो, नहीं तो आप इंटरनेट से भी ले सकते हो। यहाँ पे अब हमने क्या करना है, हमने यहाँ पे अब एक विजेट को क्रिएट करना है, ठीक हो। ये आपको ऑप्शन नज़र आ रही है क्रिएट विजेट ग्रीन बटन, इस पर जो है वो हम क्लिक कर लेंगे ताकि हम जो है वो अपने आगे के सारे स्टेप्स को फॉलो कर सकें, ठीक है। यहाँ से जो है मैं क्रिएट विजेट पे जैसे क्लिक करूँगी, मेरे पास ऑप्शन आ रही है आप चैट करोगे, कॉल करोगे या वीडियो चैट करोगे। हम यहाँ से सिंपली चैट की ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। ये हमारी विजेट जो हमारी स्क्रीन अपेयर होगी वो किस कलर की होगी, आप जो मर्जी कलर ले लो, ठीक हो गया। अब आती है मेन चीज़, यहाँ से हमने कैटेगरी सेलेक्ट करनी है कि हम किस तरह के टॉपिक पे चैट्स करेंगे। आप फिटनेस से रिलेटेड, फैशन से रिलेटेड, एंटरटेनमेंट से रिलेटेड, फूड एंड ड्रिंक, हेल्थ एंड वेलनेस, न्यूज़, पॉलिटिक्स, होम मेंटेनेंस, होम एंड लाइफस्टाइल, पेरेंटिंग, ठीक हो गया, प्रोफेशनल हेल्थ, साइंस एंड मैथ। मतलब यहाँ पे बहुत ज़्यादा ऑप्शंस हैं टॉपिक्स की कि आप किस टॉपिक को पकड़ के जो है वो चैट्स करना चाहते हो। यहाँ से मैं फूड एंड ड्रिंक को सेलेक्ट कर लेती हूँ। अब मुझसे पूछ रहे हैं कि आप सब कैटेगरी जो है वो कौन सी सेलेक्ट करेंगे। यहाँ से जो है वो मैं सब कैटेगरी कुकिंग फॉर किड्स की जो है वो सिलेक्ट कर रही हूँ, ठीक है। मैं लोगों को जो है वो किड्स के लिए हेल्दी रेसिपीज़ और हेल्दी जो पोर्शन मील के बताया करूँगी, ठीक हो गया। यहाँ से अब मुझसे पूछ रहे हैं आपका टॉपिक क्या है। यहाँ पे मैंने बता दिया मेरा टॉपिक जो है वो कुकिंग फॉर किड्स है। उसके अलावा डिस्क्रिप्शन मुझे यहाँ पे बतानी है, तो यहाँ पे मैं अपनी डिस्क्रिप्शन भी लिख दूंगी। आपको मैं फिर बता रही हूँ, आप यहाँ पे कोई भी टॉपिक जो है वो उठा सकते हो, ज़रूरी नहीं आपने फूड से रिलेटेड ही उठाना है। आप किसी भी तरह का यहाँ पे टॉपिक अपने हिसाब से आप यहाँ पे रख सकते हो। डिस्क्रिप्शन में मैं कह दूंगी कि यहाँ पे मैं आपको जो है आपके बच्चों के लिए हेल्दी रेसिपीज़ दूंगी, ठीक है, उनके मील पोर्शंस के बारे में बताऊंगी। यहाँ पे आपके पास टोटल 600 वर्ड्स होते हैं। आप यहाँ पे जो है वो एक अच्छी डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं। अगर आप खुद से नहीं लिख सकते, आप सिंपली चैट जीपीटी की हेल्प से भी यहाँ पे डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं। मैंने लिख दिया आई एम हियर 24 आवर्स। शुरू में आपने क्या है, चैट के लिए अवेलेबल 24 आवर्स रहोगे तो आपको जो है वो ऑर्डर्स मिलना शुरू होंगे, ठीक हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप पे आपने क्या करना है, आप यहाँ पे एक फाइल अपलोड करोगे। अब जो भी कैटेगरी आपने सेलेक्ट किया उससे रिलेटेड यहाँ पे आप कोई पिक्चर भी सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल मेरे पास जो है वो बच्चों के फूड से रिलेटेड है। मैंने सिंपली गूगल से बच्चों के फूड की एक जो है पिक्चर उठा के सिंपली मैंने यहाँ पे जो है वो अपलोड कर दी है। आप भी सिंपली जो भी ले रहे हो टॉपिक उसकी गूगल से सिंपली पिक्चर लो। ये अब आती है मेन चीज़ कि हम पर मिनट कितना चार्ज करना चाह रहे हैं। मैंने यहाँ पे $1 सेलेक्ट किया है कि मैं $1 चार्ज करूँगी एक मिनट बात करने को। यहाँ पे आ जाता है फ्लैट रेट। फ्लैट रेट का क्या है कि आपकी चैट की लेंथ अगर टोटल 30 मिनट्स है तो आप रेट क्या रख रहे हो। मैंने यहाँ से रख दिया कि मैं टोटल $30 जो है वो चार्ज करूँगी। यहाँ से अब आपने क्या करना है, ये सारी इन्फॉर्मेशन डालने के बाद सेव विजिट कर लेना है। सेव विजिट करने के बाद जो हमारा विजिट बना है ना, वो ये है, ये जो ऑरेंज कलर का है जिसमें मैंने ऑरेंज भी सिलेक्ट किया था। ये ऊपर अभी मैंने अपनी प्रोफाइल पिक्चर नहीं लगाई, वो मैं बाद में लगाऊंगी। बाकी मेरी यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन आ रही है। यहाँ पे मेरा रेट लगा हुआ है कि 30 मिनट बात करने के मैं $30 जो है वो चार्ज करूँगी, और अगर किसी ने चैट करनी होगी तो वो लेट्स चैट नाउ के बटन पर जो है वो क्लिक कर लेगा। अब हमारी प्रोफाइल अभी तक प्राइवेट है,
इसको हमने क्या करना है, हमने इसको पब्लिक करना है। पब्लिक करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इसमें मज़ीद कुछ जो है वो इन्फॉर्मेशन ऐड करनी पड़ेगी। आप जो है वो क्या करोगे, अभी ऊपर लिखा आ रहा है ना कि अकाउंट एक्टिवेशन रिक्वायर्ड है, आपने क्या करना है, आपने यहाँ से नीचे लिखा आ रहा है कि आप अपने जो ये विजिट है इसको किसी भी सोशल मीडिया या वेबसाइट पे भी लगाओ। आप इंस्टाग्राम से भी वैलिडेट कर सकते हो, टिकटॉक से भी, ट्विटर से, फेसबुक से, इसमें से किसी भी ऑप्शन को आप सिलेक्ट कर लेते हो जिसका अकाउंट आपके पास है। यहाँ से मैं इंस्टाग्राम से जो है वो इसको जो है वो एक्टिवेट करूँगी। मैंने यहाँ पर क्या करना है, स्टेप आपने ध्यान से सुनना है। यहाँ से मैं फर्स्ट वाला जो लिंक आ रहा है, कॉपी योर प्रोफाइल URL, यहाँ से मैं लिंक को कॉपी कर लूँगी। वहाँ से फिर मैं क्या करूँगी, इंस्टाग्राम पर जाके प्रोफाइल में जाने के बाद ये ऐड लिंक की आपको ऑप्शन नजर आ रही है, यहां पे ऐड एक्सटर्नल लिंक में जाके मैं अपना लिंक जो मैंने वहां से कॉपी किया था वहां यहां पे आके मैंने पेस्ट कर दिया। अगर आपके पास यहां पे ऐड वेबसाइट लिंक आ रहा है तो आप वहां पे पेस्ट कर दोगे, अगर नहीं आ रहा तो आप सिंपली ऐड एक्सटर्नल लिंक पे क्लिक कर लोगे। और तीसरे स्टेप पे आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने अपने इंस्टाग्राम का यूज़र नेम लिखना है। जैसे आप ये इन्फॉर्मेशन डालोगे आपका अकाउंट जो है वो सक्सेसफुली एक्टिवेट हो जाएगा। ठीक हो गया, अब हमने क्या करनी है, अवेलेबिलिटी हम बताएंगे कि हम किस टाइम पे चैट्स के लिए अवेलेबल हैं। 3 लाइंस पे जाने के बाद अवेलेबिलिटी की ऑप्शन में आने के बाद आपने यहाँ पे क्या करना है, कस्टम स्केड्यूल वाली ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ से बाय डिफ़ॉल्ट बी सिलेक्टेड है टाइम कि आप 8 AM से लेकर 5 PM तक जो है वो अवेलेबल हो, उसके बाद आप क्लोज्ड हो, संडेज़ को आप क्लोज्ड हो, मतलब ये बाय डिफ़ॉल्ट सेट हुआ है। शुरू में मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि आप जो है ये जो सिलेक्ट हुआ है बाय डिफ़ॉल्ट आप इसी को ही सिलेक्ट रहने दो। इससे क्या होगा कि आप ज़्यादा देर तक ऑनलाइन रहोगे तो ज़्यादा जो है वो चांसेस बढ़ जाते हैं कि लोग आपसे जो है वो चैट्स करेंगे। ठीक हो गया, आप जो है वो क्या कर सकते हो, आप इसमें अपनी मर्ज़ी के भी जो कस्टम स्केड्यूल भी बना सकते हो अपनी मर्ज़ी का भी। यहाँ पे नीचे अवेलेबल टाइम्स आ रहा है, ऐड वाले बटन पे हम जो है वो क्लिक करेंगे। यहाँ से हम अपनी मर्ज़ी का टाइम भी सिलेक्ट कर सकते हैं, मतलब उन्होंने 8 AM से 5 PM सिलेक्ट किया है। यहाँ से हम चेंज करके हम 8 को हटा के अपनी मर्ज़ी से, फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने 9 AM से लेके 3 PM तक रख लिया कि भाई मैं सिर्फ तब तक अवेलेबल हूँ। इस तरह से आप जो है वो अपने टाइम्स को सेट कर सकते हो, अपने स्केड्यूल को अपनी अकॉर्डिंग जो है वो सेट कर सकते हो अवेलेबिलिटी को। शुरू में आपको बाय डिफॉल्ट रखोगे तो आपको जो है वो ज़्यादा चांसेस हैं कि लोग आपसे चैट्स करेंगे, और बहुत अच्छा रेट है यहाँ पे चैट्स का, $1 1 मिनट में आप कमा रहे हो जो कि एक अच्छी अमाउंट है पाकिस्तान में रहते हुए। अब हम क्या करेंगे, आपने आ जाना ऊपर से जो 3 लाइंस बनी हुई हैं आपने सिंपली फिर से वहीं पे क्लिक करना है, क्योंकि यहाँ पे अब जो है वो हम पेमेंट मेथड देखने वाले हैं कि हमें यहाँ से पैसे किस तरह से मिलेंगे। बिल्कुल आपने परेशानी होना, बहुत ही आसान मेथड है। यहाँ से आपने आ जाना है सेटिंग्स सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि आप किस तरह से और भी अर्निंग कर सकते हो। जब आप अपना जो है बना लोगे लिंक, ठीक है, आप अपनी ये विजिट क्रिएट कर लोगे तो आप इसको जो है वो डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे दे के भी क्लाइंट्स को ले सकते हो। आप अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे अपने इस लिंक को कॉपी करके सेंड कर सकते हो, ताकि जो है वो क्लाइंट्स आपको इधर से तो मिलेंगे ही, इस प्लेटफॉर्म से मिलेंगे ही, आपको दूसरे प्लेटफॉर्म से भी जो है आपको क्लाइंट्स मिलना शुरू होंगे। अब आ जाते वापस पे आउट के मेथड पर, यहाँ पर आपने सेटिंग्स में आ जाना है। सेटिंग्स में आने के बाद यहाँ पर हमारे पास लिखा आ रहा है पे आउट मेथड। पे आउट मेथड पर मैं क्लिक करती हूँ, पास 2 मेथड्स हैं, या तो पेपॉल है, पेपॉल जो है वो इंडियन लोग यूज़ कर सकते हैं, पाकिस्तानी जो है वो पायनियर को यूज़ करेंगे। पायनियर का अकाउंट बनाना भी बहुत आसान है, और बहुत जल्द मैं आपको पायनियर का अकाउंट बनाना भी सिखा दूंगी। आप जब सिंपली पायनियर के बटन पे क्लिक करोगे आपके पास ऑप्शन आ जाएगी कि आप क्या करो, यहाँ पर अपने पायनियर का जो नेम है, लीगल जो आपका नेम है वो आपने यहाँ पे लिख देना है, और आपने यहाँ पे पायनियर का अपना ईमेल दे देना है। और जब आप पायनियर को सिलेक्ट करते हो तो आप सिंपली जैज कैश से अपने पैसे ले सकते हो, क्योंकि पायनियर से हम डायरेक्टली जैज कैश को लिंक करके अपनी पेमेंट निकलवा सकते हैं। ठीक है, तो पेमेंट का भी कोई इशू नहीं है, डायरेक्टली हमें जो है वो जैज कैश में पैसे भी मिल जाएंगे। आप भी अपना अकाउंट यहाँ पर बनाओ। वीडियो अच्छी लगी इसको लाइक करो। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।